आपने देखा है, लेकिन मैं ऐसा कुछ बताने वाला नहीं हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी का स्नेह पूर्वक अभिनंदन करता हूँ और ये कार्यक्रम मैं भूल ही चुका था। मैं कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में ऐसा भी अवसर आएगा। आज मेरा भावनात्मक पल है और मैं बताना चाहूंगा, मेरे आज 1.5 महीना पहले जब इसकी कहानी मेरे अजीज भाई शकील नियाजी साहब लिख रहे थे, मेरे मुंह से उन्होंने पूछा कि सेट पे ऐसा किसी का बर्थडे नहीं है, तो मेरे मुंह से निकल गया 22 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आज इतने हर्ष और उल्लास के साथ मेरा बर्थडे मनाया जाएगा। मैं आप सभी को और पूनम जी के साथ मैंने अपने करियर की अच्छी फिल्मों की शुरुआत की, इसलिए पूनम जी के बहुत बहुत है सभी को मेरा और फिर से सर आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।